नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं होम वर्कआउट लेकर आया हूं, क्योंकि कई लोग मुझसे कहते हैं कि जिम जाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, या हमारी ऐसी जॉब है या हमारा ऐसा बिजनेस है जिस वजह से हम जिम को टाइम नहीं दे पाते। तो आप घर पर रहकर भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, चाहे आपका कोई भी गोल हो, चाहे आपको वेट लॉस करना हो या गेन करना हो या अपनी बॉडी को फिट रखना हो। तो घर पर भी रहकर भी आप बहुत सी बेसिक एक्सरसाइज हैं, फुल बॉडी वर्कआउट, इनकी मदद से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों हमारी पहली बेसिक सी एक्सरसाइज है, वो है हमारे पुशअप्स, जो आप घर पर ईजीली आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज हमारी है वो है स्किपिंग, यानी रस्सी कूदना। इसे गर्ल्स भी इजीली अपने घर की छत पर या घर के अंदर कर सकते हैं। तो एक रस्सी आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं। और ये कुछ बाइसेप्स की एक्सरसाइज है जो एक्सटेंशन रबड़ की मदद से मैं कर रहा हूँ। तो ये एक्सटेंशन रबड़ है, ये भी आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं और ईजिली अपने बाइसेप्स को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक साइड में पुशअप्स का कर रहा हूँ, उसके बाद फिर बाइसेप, उसके बाद फिर मैं स्किपिंग, यानी तीनों एक्सरसाइज एक साइड परफॉर्म कर रहा हूँ। दोस्तों बॉडी में पंप लाने के लिए लाइट वेट का इस्तेमाल करें। लाइट वेट करने से आपके रेपिटेशन तो ज़्यादा होंगे, उससे बॉडी में अच्छा पंप आएगा। हैवी वेट अगर आप लिफ्ट करते तो बॉडी में ग्रोथ के लिए हैवी वेट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मसल मास गेन करना है, बॉडी में थोड़ी ग्रोथ चाहिए, तो वहाँ पर हैवी वेट लिफ्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ बॉडी को सिर्फ पंप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लाइट वेट से कर रहा हूँ और रेपिटेशन मेरे थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं इसमें। और ये देख सकते हैं मेरे बाइसेप्स। दोस्तों मेरा मानना है कि आपकी बॉडी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है तो बॉडी बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी अच्छी हो या ना हो, लेकिन आपकी बॉडी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपके बाइसेप 16 के हों या 18 के हों या 12 के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है तो उस बॉडी बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करें। दोस्तों अपर चेस्ट की ग्रोथ के लिए आप इस तरह के पुशअप्स लगा सकते हैं, इससे आपके अपर चेस्ट की ग्रोथ बढ़ेगी। दोस्तों जब भी आप रस्सी कूदेंगे तो उसमें कोशिश करें कि 100 बार रस्सी आप कूद जाएं कम से कम, यानी कि पहले सेट में 30, सेकंड सेट में 40 और थर्ड सेट में 30 बार रस्सी कूद सकें। और ये पैरों की एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं स्क्वाट, ध्यान रहे ठीक से आपको परफॉर्म करना है। आपकी बैक जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, ज़्यादा झुक के इसको परफॉर्म हमें नहीं करना है। तो दोस्तों अब मैं बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। कई लोग पूछते हैं कि मॉर्निंग वर्कआउट करें या इवनिंग में। तो देखिए वर्कआउट का कोई टाइम नहीं होता है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेट नाइट भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, किसी भी टाइम जिस टाइम आपको सुटेबल हो, जिस टाइम आपके पास समय हो उस टाइम आप वर्कआउट कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि वर्कआउट से 1.5 से 2 घंटे पहले आपने अच्छी मील लेनी है, ताकि ड्यूरिंग वर्कआउट आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कर सके वो, और आफ्टर वर्कआउट भी आपको मील लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है आपको। वेट लॉस के दौरान आपने ध्यान रखना है कि आपका जो डिनर है, मुख्य रूप से आपका जो डिनर है वो 7 बजे तक हर हाल में आपको कर लेना है। 7 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है। आप सोने से लगभग 1 घंटे पहले दूध पी सकते हैं। इसके अलावा आपने नॉर्मली खाना खाना है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी आपको कम करनी होगी, सलाद की मात्रा आपको बढ़ानी होगी। डाइट में आप ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, और नाश्ता जो नॉर्मल आप नाश्ता लेते हैं वो नॉर्मल नाश्ता लीजिए। दोपहर के लंच में आप नॉर्मल 2 से 3 रोटी ले सकती हैं और ले सकते हैं सब्जी, लेकिन सलाद की मात्रा आपको बढ़ानी होगी। थैंक यू।